Hey everyone, this is Philosophical Study. I hope you all are well. First of all, thanks to all of you for joining our channel. If you are watching this video for the first time, then subscribe to the channel now and press the bell icon that is made with it so that you get notification of each video first and your preparation will go on well. Without wasting much time, let's start. तो आज हम इस क्लास में जानेंगे चार्वाक दर्शन के बारे में, यानी कि चार्वाक शब्द का अर्थ क्या है, चार्वाक ज्ञान मीमांसा को भी जानेंगे। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहां आप उस लिंक को क्लिक करके आप मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो। ये चार्वाक फिलोसफी की क्विज होगा, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने ये क्विज अटेंड नहीं करी हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए और क्विज को अटेंड करें। भारतीय दर्शन में एकमात्र जड़वादी दर्शन के रूप में विख्यात चार्वाक दर्शन एक अत्यंत प्राचीन दर्शन है। जड़वाद का अर्थ क्या है? विश्व के मूल तत्व के जड़ अर्थात भौतिक मानने वाला सिद्धांत। जड़वाद न केवल विश्व के मूल तत्व को वरन आत्म तत्व को भी मूलतः जड़ ही मानता है। इस तरह यह आध्यात्मवाद का विरोधी दर्शन है। जड़ तत्व को मूल तत्व मानने के कारण ये विश्व के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता, ना ही आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में ईश्वर को अस्तित्व को आवश्यक समझाता है। इस तरह ये विशुद्ध रूप में नास्तिक दर्शन है। भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक ईश्वर से विश्वास करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वेदों की प्रामाण्य के ऊपर निर्भर है। तो अब हम देखेंगे चार्वाक शब्द का अर्थ क्या है। जहाँ तक चार्वाक शब्द के अर्थ का प्रश्न है, इसका सही उत्तर जानना कठिन है, क्योंकि चार्वाक शब्द उनके अर्थों का प्रकट करता है। चार्वाक शब्द चर्व धातु से बना है जिसका अर्थ होता है चबाना, क्योंकि ये जड़वादी दर्शन खाओ पियो और मौज करो सिद्धांत का प्रतिपादक था, अतः यह चार्वाक कहलाता। चार्वाक का एक अर्थ सुंदर वाणी चारु प्लस बाक भी किया जाता है। चार्वाक दार्शनिकों के विचार शरीर और मन की संतुष्टि का पक्ष लेते थे। ऐसे विचार जनसामान्य के रुचिकर लगते हैं, इसलिए सामान्य लोगों के इनकी वाणी मधुर प्रतीत होती थी। शायद इसलिए लोगों के मध्य यह दर्शन चार्वाक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये भी मान्यता है कि चार्वाक नामक किसी ऋषि ने इस दर्शन का प्रवर्तन किया था। संभवतः इन्हीं के नाम पर इस दर्शन का नाम चार्वाक दर्शन पड़ा हो। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, कुछ विद्वान इन्हें देवगुरु बृहस्पति के शिष्य बताते हैं। देवगुरु बृहस्पति ग्रंथ न पुराणों में देवताओं के गुरु बृहस्पति परम पूज्य माने गए हैं, जिन्होंने देवताओं के हमेशा अध्यात्म की ही शिक्षा दी। ऐसे गुरु का शिष्य चार्वाक भौतिकवादी दर्शन का प्रणेता कैसे बना होगा, यह प्रश्न रहस्यमय है। कुछ विद्वान स्वयं बृहस्पति को ही इस दर्शन का प्रवर्तक कहते हैं। वैसे प्राचीन ग्रंथों में ये दर्शन बृहस्पत्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे चार्वाक ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा का एक मुख्य प्रश्न है कि हमारे यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा गया है। यूं तो भारतीय दार्शनिकों ने उनके प्रकार के प्रमाण बतलाए हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण आदि, किंतु चार्वाक दर्शन इनमें से केवल एक ही प्रमाण को यथार्थ ज्ञान देने में सक्षम बतलाता है, वो प्रमाण है प्रत्यक्ष। अन्य प्रमाणों की कमजोरी बतलाने के लिए उसके अपने तर्क हैं, जिनका हम आगे उल्लेख करेंगे। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है प्रति प्लस अक्ष अर्थात आँखों के सामने। इस शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को साधन मानता है। दूसरे शब्दों में ये प्रमाण इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को सत्य समझता है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन के अनुसार जो ज्ञान हमें इंद्रियां देती है वो सत्य है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण रूप में सभी भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं, किंतु चार्वाक की विशेषता है कि वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। इस तरह उसके अनुसार केवल इंद्रिया ही सत्य ज्ञान की एकमात्र स्रोत है। वैसे चार्वाक केवल पांच ज्ञानेन्द्रियों तक ही प्रत्यक्ष को सीमित नहीं रखता है, वो मन को भी प्रत्यक्ष ज्ञान देने वाला बताता है। मन सुख दुख आदि की
स्पष्ट अनुभूति करता है। इस तरह इस दर्शन में प्रत्यक्ष के दो प्रकार है। फर्स्ट ब्रह्म प्रत्यक्ष यानी कि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष यानी कि मन के द्वारा प्रत्यक्ष। अन्य प्रमाणों की आलोचना करें तो चार्वाक दर्शन ने मुख्य रूप से अनुमान और शब्द प्रमाण की आलोचना की है, अतः हम यह क्रमशः दोनों पर प्रकाश डालेंगे। तो पहला है अनुमान प्रमाण। अनुमान को प्रमाण के रूप में प्राय सभी भारतीय दार्शनिक तथा सामान्य जन भी स्वीकार करते हैं। वस्तुतः हम प्रत्येक काल एवं प्रत्येक स्थान की घटनाओं का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अतः पूर्व में किए गए प्रत्यक्ष के आधार पर हम कल्पना के द्वारा वर्तमान में किसी सत्य की उपलब्धि अक्सर करते हैं। यही अनुमान प्रमाण है। न्याय दर्शन में अनुमान का शाब्दिक अर्थ अनु प्लस मान यानी कि पश्चात दर्शन व पश्चात ज्ञान बतलाया गया है, जहाँ पश्चात ज्ञान से तात्पर्य है पूर्व ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्ञान या प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान। चार्वाक दर्शन इस प्रमाण की अनेक तरह से आलोचना करता है। मुख्य रूप से उसका प्रहार अनुमान प्रमाण के केंद्रीय बिंदु व्याप्ति संबंध पर है। व्याप्ति संबंध की आलोचना करें तो न्याय दर्शन में व्याप्ति संबंध बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्याप्ति संबंध क्या है, इसे जानने के लिए हम न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के लिए दिए गए प्रसिद्ध उदाहरण में देखेंगे। जहाँ पर्वत के पीछे से उठते हुए धुएं के देखकर पर्वत में आग होने का अनुमान किया गया है। इस अति सामान्य अनुमान का उपयोग हम भी झट से करते हैं जब कहीं भी धुआं उठते दिखते हैं। आग को प्रत्यक्ष ना देखते हुए भी धुएं को देखकर आग का अनुमान हम इसलिए करते हैं क्योंकि धुओं और आग में विशेष संबंध होता है। इस विशेष संबंध को ही व्याप्ति संबंध कहते हैं। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग अवश्य होती है। इस तरह धुएं के साथ व्यापक रूप से आग के रहने के कारण इसे व्याप्ति संबंध कहा गया। चार्वाक दर्शन में इसी व्याप्ति संबंध की तर्क द्वारा आलोचना की गई है। चार्वाक का मानना है कि व्याप्ति का ज्ञान कभी भी संदेह से परे नहीं होता। पहली बात तो हम सर्वत्र व्याप्ति संबंध का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। धुओं और आग में सर्वत्र ही व्याप्ति संबंध है, जहाँ हम सर्वत्र बिना देखे नहीं कह सकते। दूसरी बात, व्यक्ति संबंध सर्वकाल में भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। भूत और भविष्य के धुओं और आग के मध्य व्यक्ति संबंध के विषय में हम वर्तमान काल में कैसे कह सकते हैं। अनुमान प्रमाण के समर्थक अनुमान की सिद्धि हेतु दो बातों की दुहाई देती है। पहली बात तो ये है कि वस्तुओं का स्वभाव समान है, जैसे आग का स्वभाव गर्म रहना है तो सामान्य परिस्थितियों में वो हमेशा गर्म होगी। इसी तरह धुओं का स्वभाव हमेशा आग के साथ रहना है तो वो हमेशा आग के साथ ही रहेगा, अतः हम धुएं को देखकर आग का अनुमान कर सकते हैं। दूसरी बात तो ये है, जगत में कार्यकारण का नियम कार्यरत है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, जैसे उक्त उदाहरण में धुएं का कारण आग है। यह चार्वाक दर्शन की मुख्य आपत्ति यह है कि व्याप्ति संबंध की स्थापना के लिए अनुमान प्रमाण के समर्थक जिस स्वभाववाद और कार्यकारण सिद्धांत का सहारा लेते हैं वो भी तो सामान्य वाक्य ही होते हैं जो अनुमान के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सामान्य वाक्य की स्थापना के लिए वो दूसरे सामान्य वाक्य के प्रस्तुत करते हैं, किंतु यह तो जैसे चक्र में घूमना हुआ। तर्कशास्त्र में इसे पुनरावृत्ति दोष कहा जाता है। अनुमान प्रमाण को अस्वीकार करने का चार्वाक दार्शनिकों के पास एक तर्क ये भी है कि ये प्रत्यक्ष समान स्पष्ट नहीं होता है। अब आती है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ है आप तो वचनों को प्रामाणिक मानते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत सत्य को सत्य स्वीकारना। आप्त का अर्थ क्या है? आप्त का अर्थ है सत्य को प्राप्त। इस प्रकार आप्त वचन सत्य वचन हुए। ऐसे वचन विश्व वचनीय महानुभावों अथवा शास्त्रों के भी हो सकता है। भारतीय वैदिक दर्शन वैदिक वाक्यों को आप्त वचन मानते हैं। अवैदिक दर्शन यथा
जैन बौद्ध भी अपने शास्त्रों के वचनों का आत्मवचन मानते हैं। चार्वाक दर्शन विश्ववसनीय व्यक्तियों के वचनों तथा शास्त्रों के वाक्यों को आत्मवचन मानने से इनकार करता है। उसके तर्क है कि विश्ववसनीय महानुभाव का ज्ञान या तो प्रत्यक्ष पर आधारित होगा या अनुमान पर। चार्वाक अनुमान पर आधारित ज्ञान को सत्य स्वीकार नहीं करता, ये हम पूर्व में देख चुके हैं। हाँ, यदि विश्ववसनीय व्यक्तियों का ज्ञान प्रत्यक्ष पर आधारित हो तो सत्य स्वीकार किया जा सकता है, किंतु कोई व्यक्ति विश्ववसनीय है ये हम कैसे कह सकते हैं? वस्तु तो ऐसे व्यक्तियों का मिलना कठिन है। जहाँ तक आप्तशास्त्र से ज्ञात शब्द प्रमाण की बात है, चार्वाक इनकी कटु आलोचना करता है। खासकर वेदों की तो बड़ी कड़ी आलोचना करता है, जिन्हें प्रामाणिक मानकर सभी आस्तिक षडदर्शन आगे बढ़ते हैं। ये तो आस्तिक ही कहलाता है, क्योंकि ये वेदों में आस्था रखते हैं। चार्वाक दर्शन के एक श्लोक में वेदों का रचयिता को पुरुषहीन भाड़, धृत और राक्षस कहा गया है, जिन्होंने पैसा कमाने के लिए वेदों की रचना की है। वैदिक ऋषियों ने स्वयं मांस भक्षण के लिए यज्ञ के आवश्यक बतलाता है। स्पष्ट है कि वेदों और वैदिक ऋषियों पर इतनी कटु अनास्था रखने वाला चार्वाक दर्शन उनके वाक्यों को कदापि शब्द प्रमाण के रूप में नहीं ग्रहण कर सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाक ज्ञान मीमांसा में अनुमान और शब्द प्रमाण को अस्वीकार कर एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग NTA UGC नेट फिलोसफी को प्रिपेयर कर रही है उसके तक ये क्लास पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें।